तैनात दबंग कही जाने वाली आईएएस अफसर की चौखट पर सीबीआई की धमक से अभी सियासी पारा गर्म हुआ ही था कि एक और चर्चा से सनसनी फैल गई। खबर है कि सीबीआई उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई का दावा है कि खनन घोटाला समाजवादी पार्टी की सरकार में साल 2012 से 2016 के बीच हुआ था। सीबीआई इस दौरान सूबे में खनन मंत्री रहे तमाम नेताओं की पड़ताल करेगी। खुद अखिलेश यादव सीएम रहते हुए 2012 से 2013 के बीच खनन मंत्रालय का जिम्मा भी संभाल रहे थे, लिहाजा वो भी सीबीआई की जांच के दायरे में आ गए। इसके अलावा मुलायम के करीबी तत्कालीन मंत्री गायत्री प्रजापति से भी पूछताछ संभव है। सीबीआई ने हमीरपुर के तत्कालीन डीएम बी चंद्रकला के घर पर करीब 3 घंटे तक जांच की। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में चंद्रकला के घर से निवेश और प्रॉपर्टी से संबंधित अहम कागजात मिले हैं। छापे के दौरान चंद्रकला घर पर नहीं थी, वो फिलहाल स्टडी लीव पर हैं। सीबीआई जांच कर रही है, जो इलीगल माइनिंग हुई है उसमें कोई भी शामिल होगा, चाहे कितना बड़ा नेता हो, वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि लूट की छूट थी सपा की सरकार में। अब जांच हो रही है, निष्पक्ष तरीके से हो रही है, और उस पर कोई भी सियासत नहीं करना चाहिए किसी को। अखिलेश यादव जी की सरकार को गए कितने बरस हो गए हैं, उनको याद नहीं था, सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे चुनाव आए, और मुझे उम्मीद है कि इस पर अखिलेश जी अपना अच्छा वक्तव्य देंगे। हमीरपुर के तत्कालीन डीएम के अलावा 11 लोगों को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है। आईपीसी की धारा 120B, 379, 384, 420, 511 के अलावा एंटी करप्शन एक्ट की धारा 13(2), 13(1)(d) के तहत नामजद किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई इस घोटाले की जांच कर रही है। हाईकोर्ट ने दो अलग अलग जनहित याचिकाओं पर 28 जुलाई 2016 को अवैध खनन की जांच के आदेश दिए थे। हालांकि छापेमारी की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ मायावती और अखिलेश के बीच सियासी गठबंधन, तो दूसरी तरफ सीबीआई की हलचल आखिरकार किस ओर इशारा कर रही है।